हेलो एवरीवन, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम अब सर पे आ चुकी है। अब इतना कम समय में हम लोग प्रिपेयर कैसे करें? सर, हम लोग तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, पर हम लोग पढ़ेंगे कैसे? हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी? तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें, सारा चीज़ का सोल्यूशन है, टेंशन लेने का नहीं है मेरे भाई। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले इतना बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी करवा दूंगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और ये भी बात बता रहा हूँ, जो चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा ऑनेस्टीपूर्वक, आप लोग अगर ऑनेस्टीपूर्वक अगर पढ़ लेते हैं, ईमानदारी के साथ अगर स्टडी कर लेते हैं, यकीन मानिए आप इजिली से अभी भी 90% मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अभी जाएं प्ले स्टोर ओपन कीजिए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अभी जस्ट डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। क्या आएगी मेरे भाई? बहुत सारे कोर्सेस होगी, जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस दिख रहा है, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको क्लिक करना है इस कोर्स पे और इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। याद रखिएगा, इस कोर्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जितना भी आपका प्रीवियस का क्वेश्चन हो, जितना भी आपका मॉडल सेट हो, जितना भी सिलेक्टेड सेट हो, सारा चीज ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कीजिए, सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, इसका फी भी ज्यादा नहीं है, 266 रुपीज या 277 रुपीज में आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिए गए हैं नीचे, इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप लिखेंगे कि मैं क्लास 11 की छात्र हूं, मैं कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं और मुझे प्लीज हेल्प चाहिए। आप उतना लिखकर भेजेंगे, हमारी टीम आपको कॉपरेट कर देगी, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लेना है। जितना चीज इसमें बताएगा, जो 5-5 सिलेक्टेड सेट अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, 5 और तैयार हो रही है। जब इस सिलेक्टेड सेट को कर लेंगे ना, जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप खुद कहेंगे कि सर क्या चीज आपने बताई है। आप सोचेंगे ना कि सर हम लोग तो कैसे पता चलेगा कि इसको पढ़कर हम लोग 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी जाएं, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, रांची, दुमका, पाकुड़, लोहरदगा, आपका धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्टूडेंट्स ने कैसा मार्क्स लाया है, इसी को पढ़कर 2023 के पेपर में एक बार जाकर इजिली से देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्या है? आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर को अकॉर्डिंग एकदम टू द पॉइंट ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के लिए मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझने की, एकदम समझे आसान भाषा में, सरल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्पीड अगर स्किप करना शुरू कर दिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपके माथा से उड़ जाएंगे। जब आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उस समय आप लिख नहीं पाएंगे, उस समय आपके खून के आंसू रहेंगे। आंख में आंसू नहीं आएगा, खून के आंसू रहेंगे आप, ठीक है? इसलिए वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए, किस तरह से पैसेज से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से ग्रामेटिकल क्वेश्चन आएगा, किस तरह से पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, सारा क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पर बने रहे, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका सामने आएगी चार, याद रखेगा मेरे भाई, याद रखिए क्या आएगी आपका, याद रखना है क्या, 4 मार्क्स का आएगा आपका पैसेज, सॉरी 5 मार्क्स का आएगा आपका पैसेज। अब पैसेज को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जब आप पैसेज को पढ़ लेंगे तभी जाकर इसका आंसर आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि हमारे हाथों से 5 मार्क्स यूं ही ना निकल जाए, तो आपको बेहतरीन तरीके से देखना है, समझिएगा। एडिसन वाज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। एडिसन जो अल्बर्ट एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया है, उनका जन्म हुआ था कहां पे, अमेरिका में। कब? 1847 में। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक महान साइंटिस्ट थे। At the age of 18, he has set up his laboratory. और जब उनका उम्र 18 साल हो गई थी, तो उस समय आप वो क्या किए थे कि एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला का स्थापना किए थे। और हम लोग 18 साल में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रंग बिरंगा हम लोग ढूंढते हैं कहीं मिल जाए मुझे बतियाने के लिए, ये ढूंढते हैं ना। सोचिए 18 साल की उम्र में लेबोरेटरी ओपन कर दिए। He made several experiments and invented how to send more than the on message along a wire. उन्होंने एक वायर लाया, ही इन्वाइटेड टैकिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके बाद इलेक्ट्रिक फैन, इम्प्रूव्ड टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड टाइपराइटर, इन सब के बारे में उन लोगों ने सर्च किया। ही प्रोडक्ट द फर्स्ट टैकिंग फिल्म, और उन्होंने एक फिल्म भी तैयार किया। ही वॉज ए गुड एम्प्लॉयर, और इसका काम बहुत ही अच्छे हैं, एंड वॉज सिंपैथेटिक टू हिज एम्प्लॉयज, और वह एक अच्छे सहानुभूति के साथ वो काम करना शुरू किए। ही हैड टू लीव मैनी जॉब बिकॉज नो वन एक्सपर्ट मिलिकन लाइक्ड हिम, और वो बहुत सारे जॉब को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और वो चाहते थे क्या कि मैं इसी में काम करूंगा, इसी लेबोरेटरी में काम करूंगा, कुछ मैं उपयोग, कुछ मैं डिस्कवरी करूंगा, कुछ खोज करूंगा, कुछ आविष्कार करना चाहता हूँ। विथ द हेल्प ऑफ
जनरल लेफर्टर टू एस्टेबल्स एंड फैक्ट्री ही हेल्प्ड हिम विथ $4,000 फॉर इट देयर इज नो इन्वेंटेड द डिवाइस दैट टैक्ट इट वाज मोस्ट फनी। अरे एक रोमांचक मजेदार क्या था, जब कोई भी चीज़ को हम लोग आविष्कार करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग किसी चीज़ के पीछे हम लोग मेहनत करते हैं, वह मेहनत हमें हासिल हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है। यस यानो ठीक, इसी तरह से आपको देखना है। अभी आपका पैसेज है, पैसेज पढ़ लिए, क्वेश्चन देखिए कैसा धकाधक सॉल्व हो गया मेरे भाई, चुटकी में सॉल्व करेंगे। एडिसन वाज, एडिसन क्या था, टीचर नहीं साइंटिस्ट, हाँ बिल्कुल साइंटिस्ट था। क्या था एडिसन, क्या था मेरे भाई, याद रखिएगा साइंटिस्ट था। अगला क्वेश्चन पे आते सर, व्हाट डिड ही इन्वाइट, जो आपका एडिसन थे वो किस चीज़ का इन्वाइट किए थे तो बताएंगे। देखिए सर, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब क्या था, इलेक्ट्रिक फैन भी क्या था, माइक्रोस्कोप का नहीं क्या था, चलिए टेलीफोन का क्या था, टाइपराइटर का क्या था, कंप्यूटर का नहीं क्या था, इलेक्ट्रिक फैन का क्या था। देखिए दोनों ऑप्शन गलत हो चुका है, कौन सही है वो नहीं ढूंढना है, कौन गलत है वो दिखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब देखा क्या था, इलेक्ट्रिक फैन भी क्या था, टेलीफोन भी क्या था, टाइपराइटर भी क्या था, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तीन को क्वेश्चन बन गया मेरा, दो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री, क्वेश्चन थ्री का विथ द हेल्प ऑफ जनरल लेटर्स ही, जो आपसे पूछा गया जनरल लेटर्स से उसको हम लोग हेल्प करते थे। सर इसका याद रखिएगा एस्टेब्लिशन ए फैक्ट्री, कहाँ पे लिखा है सर, देखिएगा आपका सारा चीज़ ना यहीं पे लिखा है, क्या नहीं लिखा एस्टेब्लिशन ए फैक्ट्री, क्या लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है, ठीक है, गोल गोल करना है। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, जो सेवरल का मीनिंगफुल होता है ना उसको आपको बताना है, सेवरल का वेरियस होता है, क्या होता है मेरे भाई, वेरियस होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगी। जनरल लेफ्टर हैड हेल्प एडिशन विथ, कितना का हेल्प किया था तो बताएंगे सर $4,000 का, कितना $4,000, अभी हम लोगों ने जस्ट देखे यहाँ पे $4,000, देखिए कहीं पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है $4,000, इजी है, टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो हमसे नहीं बनेंगे, नहीं मेरे भाई आप मेहनत कीजिए, सारा चीज़ आप कुछ सारा चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो डर जाना है, नहीं, अगर आप इसमें डर जाएंगे तो फिर क्लास में क्या करेंगे। और 1 अप्रैल से याद रखिएगा आप लोगों का 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना भूलिएगा, बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करूंगा, याद रखिएगा आपका 20 से 25 रुपए के बीच में मेरे भाई, याद रखिएगा 20 से 25 रुपए के बीच में आप लोगों का पर मंथ में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। खैर मुद्दे पे आते हैं, इट इन मैट नॉट मेकिंग नोट्स विद रिटन इन ओनली, आपको बताना है तो क्या हो जाएगा प्रेस, क्या हो जाएगा मेरे प्रेस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, नोट्स वुड बी इन डैश फ्रॉम, तो बताएंगे क्या हो जाएगा सर शॉर्ट्स, क्या हो जाएगी शॉर्ट्स। यह आपका हो गया सर लिटरेचर सेक्शन का, लिटरेचर सेक्शन और ग्रामेटिक सेक्शन में बहुत डिफरेंट है, लिटरेचर सेक्शन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल सेक्शन किसे कहते हैं, ये आपको ना क्लास 12 में पढ़ना होगा बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन पे अब आपका ग्रामेटिकल सेक्शन आ गया यानी राइटिंग सेक्शन, ए फॉर्मल लेटर, देखिए आपको पूछा जाएगा कि लेटर कितने टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दैट इज कॉल्ड ऑफ ओनली रिलेटिव, जो भी हम लोग लिखते हैं रिलेटिव, जिनको भी हम लोग रिलेटिव माँ भाई बहन मदर फादर सिस्टर ब्रदर, जिनको भी हम लोग लिखते हैं लेटर, अपने प्रिय मित्र को लिखते हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और जो भी मान लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे हम आपको स्कूल जाए, स्कूल में हम 10 दिन नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल को मैं बताना तो चाहता हूँ एप्लीकेशन का माध्यम से फॉर्मल लेटर, ठीक है समझिएगा। तो आपसे पूछा गया फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर हैं हमेशा हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, ये भी क्वेश्चन आपको क्लास 12 में देखने को मिलेंगे, न्यूज़पेपर क्या जाएगा मेरे भाई, न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिपोर्टिंग ऑन इवेंट इज डन एज, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, क्या हो जाएगी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपको क्लास 12 में देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन आते हैं सर 11 में, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, क्या होगी सर तो बताएंगे इनवाइट, क्या हो जाएगी इनवाइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 की वाइल्ड राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द रिटन राइटर मेंशन हिज और हर नेम, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा एट द एंड, जब भी हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखते हैं उस समय हम लोग जो लास्ट में लिखते हैं ना हिज और हर नेम के समय क्या लिखते हैं एट द एंड, मतलब एकदम लास्ट पोजीशन में हम लोग लिखते हैं ना योर लविंग सॉन योर लविंग डॉटर जो लिखते हैं एकदम लास्ट पोजीशन पे लिखते हैं, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को खोपड़ी में घुस रहा है, यानी जल्दी बताइए। और इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में दो होगी,
इस तरह से इंग्लिश मीडियम के जो नर्सरी के बच्चा होते हैं ना, वो वहाँ पे इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यकीन नहीं होता है ना, घर पे अगर नर्सरी का या वन क्लास का कोई बच्चा होगा तो उनको देखिएगा, उनका ग्रामेटिकल सेक्शन में इंग्लिश का बुक में ऐसा ही क्वेश्चन होगा। सोचिए क्लास 12 में आपको पढ़ना पड़ रहा है, सॉरी क्लास 11 में, सोच सकते हैं आप। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल इज दैस हेल्थ गुड, तो बताएंगे सर इसको आपको अरेंज करना है। देखिए मेरे भाई, जब भी अरेंज करेंगे तो सबसे पहले फिजिकल होगा, क्या हो जाएगा, फिजिकल होगा। और जब जब आप इस क्वेश्चन को समझ में ना आए तो इस रास्ते में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा वर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो हमें एक ही को लेटर दिखा, क्या हो जाएगी, वो है फिजिकल। तो इसको हम लोग देखेंगे, सबसे पहले फिजिकल कहाँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा और ये भी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। अब फंस गए से दो ऑप्शन पे, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, अब देखिए फिजिकल एक्सरसाइज के बाद होता है क्या, याद रखिएगा, वर्ब होता है। तो बोल सकते हैं सर यहाँ पे वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से एकदम ध्यानपूर्वक देखना है और एग्जाम में टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं याद किए, नहीं हम इंग्लिश नहीं है तो मेरा टेंशन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, टेंशन लेकर जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ फ्री माइंड अगर रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको देखिए ऑप्शन दिया गया, डिटरमिनेंट दिया गया, आपको बताना है कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा। बताइए ये सब क्लास हम लोग कब कर चुके हैं, आप खुद बताइए कि हम लोग 8-9 क्लास में हम लोग ये सब नहीं पढ़े हैं। सोचिए वही सब क्वेश्चन दे रहे हैं आपका। आप किसी का नाम है, देखिए किसी का नाम है पोरेटोस इज डैश ऑनरेबल मैन। देखिए जब भी ऑनरेबल लगता है तो सर ऑनरेबल एच क्या होता है, साइलेंट होता है, तो याद रखेंगे सर जब वी ओ आता है ए आई O U, जब भी आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल क्या होता है सर, A N होगा, तो बताएंगे सर A N हो जाएगा, क्या हो गया A N, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रैंग, तो बताएंगे सर क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना रैंग, याद रखिएगा मेरे भाई, इस सेकंड फॉर्म है, भाव का सेकंड फॉर्म है, तो वाज रिटन क्या हो जाएगी, वाज रिटन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16 आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि डस यू प्लीज स्टॉप टैकिंग, क्या लिखा है मेरे भाई, आई एन जी। अब बताए आई एन जी कहाँ पे लगता है, अब खुद सोचिए आई एन जी कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, जहाँ फ्यूचर होती है, फ्यूचर पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, जहाँ पे फ्यूचर की बात आती है, जहाँ गा गएगी लगती है वहीं पे हम लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ आई एन जी, कहीं पे भी आई एन जी लगा हुआ है मेरे भाई, नहीं, तो यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि विल यहाँ पे यू ना, विल यू प्लीज स्टॉप टैकिंग, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, आई एम नोइंग यू चूज द करेक्ट ऑन फ्रॉम द फ्लोइंग, तो बताएंगे सर क्या होगी, इसको सही तरीके से आपको अरेंज करना है। तो ये तो आपका होगा नहीं मेरे भाई, समझिएगा, ये भी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आई के साथ इज तो नहीं लगता है, आई के साथ आर तो नहीं लगता है, ये दो ऑप्शन सर क्लिक हो चुका है। देखिए मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को एकदम कन्फर्म करना है मेरे भाई, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को एकदम कन्फर्म करना है, दो ये तो सोचना नहीं है कि हमसे इंग्लिश से जो है हमसे नहीं होगी, ये तो आराम आराम तरीके से बनाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अरे इंसान सॉल्व नहीं कर सकता है तो कौन कर सकता है, जानवर, बिल्कुल नहीं। इंसान जब तक खुद को कह देंगे ना कि मैंने हार माना, लाख इंसान उनको कहे कि तुम हार चुके हो फिर भी आप वो हारा हुआ नहीं है, लेकिन लाख इंसान कहे कि तुम जीत चुके हो और मैं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं, तो याद रखिएगा लाखों इंसान की बात वहां पे छोटी पड़ जाएगी हमारे, याद रखिएगा हारा हुआ जबान से निकली हुई बात डिपेंड करता है खुद पे, हमें किस पोजीशन पे पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपके सामने, आएगा सर 18 नंबर, अब आते हैं सर 18, क्या क्या है कि 18 में आपके सामने ना छोटा सा क्या दिया है मेरे भाई, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है। आपसे पूछा गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 80 to 21, मतलब 18 से लेकर 21 तक आपको सॉल्व करना है, अगर इसको पढ़कर समझ गए हैं तो। मैं पढ़ रहा हूँ, समझिए, मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज प्लेस वॉज देयर ट्रेवलिंग ट्रांजिशेंट फिट, इसका मतलब क्या होता है कि मेरी माँ की वह मेरे जन्म से पहले की बात है, मेरी माँ की मेरे जन्म वह मेरे जन्म से पहले की बात है, और समुद्र जो कम बदला हुआ प्रतीत होता है ने उनके अत्यंत क्षण भंगुर पैरों को धो दिया। यह है सर हम लोग का क्वेश्चन, सॉरी स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शो एज,
देखिए आपसे पूछा गया ना तस्वीर में दिखाया गया प्यारा चेहरा था, तस्वीर में दिखाया गया वो प्यारा चेहरा था किसका बारे में, तो मदर्स के बारे में बोल रहे थे। हम लोग बोल सकते नरेटर मदर्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी। इसी में सारा आंसर छुपा होगा, आपको देखने का नजरिया चेंज करना होगा, ठीक है, बाज की तरह आपकी आंखें रखना होगा। क्वेश्चन इज द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, जो फोटोग्राफ है इसमें टेकन व्हेन के बारे में बताया गया, तो बताएंगे द नरेटर वाज नॉट एवन बर्न। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर 19 है मैं थोड़ा सा बता दूं तस्वीर तब ली गई थी जब तस्वीर तब ली गई थी जब क्या था, जब उनका जन्म नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या था सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। दे वेर स्टैंडिंग, आपसे पूछा गया है दे आर स्टैंडिंग, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या, तो एट ए बीच, क्या हो जाएगा समुद्र के तट पे, ऑप्शन नंबर बीच का मतलब होता है समुद्र का तट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड ट्रांजिटेड सॉ, जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्षणिक शब्द दर्शाते हैं, जो क्षणिक शब्द है वो क्या दर्शाते हैं, द देयर मॉनेटरी टू एफ्रेमेरल लाइफ, ऑप्शन नंबर क्या जाएगी आपका बी इस चीज का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, आप यहां से आपका जितना भी ग्रामेटिकल था जितना भी पैसेज था सब खत्म हो चुका है, आप यहां पे आपको ध्यान देना होगा आपका बुक से रिलेटेड, क्या ध्यान देना होगा आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझेगा। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशनड इन द पोयम द लेब्रोनियम टॉप, आपको बताने जो क्वेश्चन नंबर 22 है द लेब्रोनियम टॉप कविता में वर्ष के किस महीने का उल्लेख है, तो बताएंगे सर ये वर्ष का सितंबर महीने का उल्लेख है। मेरे भाई लिख के लिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में छप रहा है। द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन ask a question and who does Thoreau refer to, देखिए क्वेश्चन में जो 23 है बताया गया कवि बोल्ड व्हाइट मैन एक प्रश्न पूछते हैं, कवि व्हाइट मैन एक प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं समझेगा, क्या पूछते हैं, और आप कौन हो आप किसका उल्लेख है, तो आप बताएंगे सर एक प्रकार का देखा जाए तो द सोवेर, क्या हो जाएगी द सोवेर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम चाइल्डहुड, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों से पूछा गया 20 बचपन कविता के कवि कौन है, आपसे पूछा जाएगा। मेरे भाई याद रखिएगा 40 क्वेश्चन में आपके पेपर में तीन या चार क्वेश्चन जो आपके ऑथर और उसका चैप्टर और ऑथर का नाम पूछा जाएगा, तो आपको याद रख लेना है, जो भी आपका पोएट्री सेक्शन है जो भी आपका बुक सेक्शन है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। 3-4 मार्क्स अगर आप चाहते नहीं कि मेरे हाथों से निकल जाए तो याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। आते हैं सर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड का राइटर जो होगी वो हो जाएगी मार्कस नितिन, क्या हो जाएगा मार्कस नितिन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 में कि देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड द सन, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग से पूछा गया 25 पिता और पुत्र के बीच कोई रिश्ता नहीं था, पिता और पुत्र के बीच में एक रिश्ता नहीं था, अंडरस्टैंडिंग का समझदारी का याद रखिएगा एक रिश्ता नहीं था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई इंग्लिश में ना जैक बोर्ड का 90% स्टूडेंट्स जो है ना उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो अगर आपको क्लास 11 में नहीं समझ पा रहा तो क्लास 12 में कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए क्लास 11 में तो ऑब्जेक्टिव है, आप कहीं से भी देख कर चुटका लगाकर वगैरह किसी को देख कर आप पास हो जाएंगे, लेकिन क्लास 12 में फुल एंड फाइनल आपका 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव देना पड़ेगा, उस समय आप कैसे पेपर देंगे सब्जेक्टिव का, तो इसलिए समझना थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता है, लेकिन थोड़े थोड़े अगर पहाड़ को तोड़े तो उसको समतल भूमि बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा पढ़िए और हमारे साथ बने रहिएगा, जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज, थोड़ा सा मैं ज़ूम कर दूं ताकि अच्छी तरह सब लोगों को दिखे, क्वेश्चन नंबर है सर क्वेश्चन 26 है कि व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड टू, देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 से पक्षी की गति की तुलना किसी की जाती है, जो पक्षी की गति है उसकी तुलना किया जाता है किसके बारे में सर, छिपकली की चाल से, क्या टू द मोमेंट ऑफ द लिजर्ट, छिपकली की चाल से, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही तौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 आई गेव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन हु इज द स्पीकर, इसमें बताया गया कि मैं अपने मूल्य को जीवन वापस देता हूँ, मैं अपने मूल्य को जीवन अपने वापस देता हूँ, वक्ता कौन है, इसमें वक्ता करने वाला वो था कौन, द सोवर, क्या हो जाएगा मेरे भाई दो सोवर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, चलिए इसको मैं जूम कर दिया हूं ताकि आपको दिख सके अच्छी तरह से। 28 है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एकॉम्पनी द ऑथर थ्रू हिज स्कूल इन द सिटी, क्वेश्चन मुझे आपसे 28 पूछा गया, 28 में कहता है दादी लेखक के साथ शहर में उसके स्कूल क्यों नहीं गई, शहर में जब स्कूल नहीं गए थे ना उसके बारे में कह रहे, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, जब आप सुनेंगे ना इस स्टोरी के बारे में आंख से आंसू आ जाएंगे मेरे भाई, इतना मजेदार स्टोरी है। तो बताएंगे सर द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, जब वो स्कूल जाता था तो मोटर बस के साथ जाया करता था, इसलिए उसको ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जाते थे।
29 पाते सर, व्हाई डिड द स्पायरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज क्राइड ऑफ। 29 में कहा कि जब दादी का शव उठाया गया तो गोरैया ने क्या किया, गोरैया क्या कर रहे थे, दे फ्लेवर ए अवे क्वेंटेंस, मतलब वो क्या किए थे, वे चुपचाप उड़ गए, क्या चुपचाप उड़ गए, जब उनकी दादी की जब डेथ हो गई थी तो उस समय वो जो गोरैया थे जिसको रोटी खिलाया करते थे उसके ग्रैंड मदर, वो गोरैया जैसे पता चला कि बुढ़िया मर चुकी है तो वो गोरैया बिल्कुल चुपचाप होकर वहां से उड़ गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बॉयड फॉर हिज वोयाग। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 में समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगी क्या होगी, वेब वाल्कर, क्या देखिए वेब वाल्कर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, 31 पे, हु एकम्पनेड द राइटर इन हिज अराउंड द वर्ल्ड वोयाग। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगर आप लोग सेट टू भी देखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा एक बार, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी से सेट टू भी दिखाइए तो एक बार जरूर बताइएगा कि आप लोग सेट टू देखना चाहते हैं। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर ब्रेड इज नाउन एज, देखिए जिस स्थान पर मिस्र के राजा को दफनाया गया था उसे कहा गया था, उसे क्या कहा जाता था, तो बताएंगे सर वैली किंग, क्या जगह वैली किंग, याद रखिएगा राजा का घाटी। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 में छप चुकी है, जाकर आप देख सकते हैं जैक बोर्ड। तो बताएंगे सर निक चंड, क्या हो जाएगी निक चंड, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। और मेरे भाई इस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, प्ले स्टोर से अभी जाकर डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और अभी जाकर इसको ज्वाइन कीजिए, आपके पेपर में ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, टेंशन नहीं लेना है, टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी इसी से भिड़ेगी, इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, मिलिसेंट टॉपलो टू डैश आपको बताना है क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर केमिस्ट, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी इसका राइट आंसर। व्हाट इज द गंगाधर पंत ग्वाइटांड ए प्रोफेसर ऑफ, तो कहां से प्रोफेसर, तो बताएंगे सर हिस्ट्री का वो प्रोफेसर था, किसका हिस्ट्री का प्रोफेसर था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड, बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्क रोड का ऑथर कौन है, आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं जो सिल्क रोड है इसका ऑथर कौन हो जाएगा, तो बताएंगे निक मिडिलटन, क्या जाएगा सर निक मिडिलटन, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो बताएंगे सर फाउंडेड इन कौन था, तो बताएंगे सर साउथ अफ्रीका, क्या हो जाएगी साउथ अफ्रीका, क्या क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 37 में बताया हूँ बेहतरीन तरीके से, क्या आप लोगों को समझ में आया 37, विश्व के पहले राष्ट्रीय व्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना और इसमें सारा फर्क पड़ा, तो बताएंगे सर साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेयर डिड आराम एंड मुराद हाइड द स्टॉलन व्हाइट हॉर्स, तो बताएंगे सर जो 20 आपके 38 आपसे पूछा गया है, 38 क्वेश्चन है कि एरन और मुराद के बीच चोरी ने चोरी हुए सफेद घोड़े को कहां छुपाया था, जो चोरी करके लाए थे सफेद घोड़ा वो कहां छुपाए थे, बताएंगे सर इन्हें डिस्ट्रॉयड विनयार्ड, कहां पे हो जाएगी सर एक निर्जन अंगूर के बगीचे में छुपा दिए थे, ऑप्शन नंबर क्या सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु रॉट द स्टोरी द एड्रेस का राइटर आपसे पूछा गया कि किसने लिखा है, द एड्रेस का राइटर जो हो जाएगी ना याद रखिए मेरे भाई मार्गा मीन को, क्या जाएगी मार्गा मीन को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रंगा साव रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, ये भी क्वेश्चन 2024 के पेपर में छपेगी मेरे भाई, जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, हल्के में नहीं लेना है सारा क्वेश्चन। रंगा ने रत्ना को पहली बार कहां देखा, रंगा ने रत्ना को पहली बार देखा था नेटर हाउस, याद रखिए लेखक के घर में, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, आपसे पूछा गया जो 41 है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शिक्षा में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्या डे फैक्ट आइडिया नॉलेज, तो बताएंगे सर याद रखिए आइडिया होना बहुत जरूरी है, याद रखिए शिक्षा के लिए आइडिया होना बहुत जरूरी है, बोल सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, आपसे पूछा गया मदर्स डे परिवार में जो मदर्स डे कहानी में परिवार में सबसे उपेक्षित व्यक्ति कौन था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा मदर्स, मदर्स के बारे में बोल रहे तो मदर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, शहीद वाजे जो शहीद थे ना वो क्या थे, तो बताएंगे सर पोएट थे, क्या था याद रखिएगा मेरे भाई 2024 के पेपर में ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 44 में, हु डिड द डॉक्टर डिसाइडेड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, जो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है 44 पूछा गया, जन्म कहानी में डॉक्टर ने सबसे पहले किसे बचाने का निर्णय लिया था, सबसे पहले अगर बचाने का कोई निर्णय लिया था ना वो था कौन मेरे भाई, याद रखिएगा था मदर को, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मदर को माँ को बचाया जाए। चलिए सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, हु हैज हु वाज
who was hanged finally in the poem The Table of Meron City? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी द किंग, क्या हो जाएगा मेरे भाई द किंग। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 45 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करवाया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है इसी तरह से सर हम लोग को एग्जाम से पहले कवर करवा दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना ना भूलेगा, साथ ही साथ आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलेगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना इसमें पता है क्या है, चलिए मैं बता दूं आप लोगों को एक्चुअली है क्या। इस कोर्स को अगर डेमो देखना चाहते हैं ना, डेमो आप बिना ज्वाइन किए भी आप एक क्लास डेमो देख सकते हैं। कहां पे, चलिए आपको कंटेंट में क्लिक करना, आप जैसे कंटेंट में क्लिक करेंगे आपके सामने आएगी क्या, तो मेरे भाई याद रखिएगा जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी आएगी तो मैं मान के चलता हूं आपको पॉलिटिकल में क्लिक करना है। तो पॉलिटिकल में क्लिक किया हूं तो देखिए पॉलिटिकल का दो पार्ट होगी, क्लास 11 पॉलिटिकल पार्ट 1 पार्ट 2 याद रखिएगा, पार्ट 3 इस तरह से ना आपको पार्ट मिलेगी। और यहां पे देखिए सारा का सारा क्या है, लॉकेट है, ठीक है, लॉकेट है इसलिए मेरे भाई, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक कोर्स को बाय नहीं किया है। अब यहां पे आपका इस तरह से देखिए 5 सेट एग्जांपल जो मैं आपको बताया था कि जो सिलेक्टेड सेट था ना आप लोगों का सिलेक्टेड सेट, मैं आप लोगों के लिए 5-5 सिलेक्टेड सेट तैयार किया हूं, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेक्टेड सेट तो मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम से पहले मेरे भाई, एग्जाम से पहले आपको एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल में क्या पेपर आने वाला है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें आप लोगों का उत्तर भी दिया। देखिए मैं बात करूंगा कि भारतीय संविधान का प्रारंभ समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जैसे भीमराव अंबेडकर, तो देखिए अंबेडकर में आपका आंसर लगा हुआ है, देखिए आपको आंसर भी ढूंढना नहीं है, आंसर भी लगा हुआ है। इस तरह से आप हर एक पेपर में आप 5-5 आप सिलेक्टेड सेट पा सकते हैं जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो लेट ना करें, जाए ज्वाइन करने की कोशिश करें, अगर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है ऑलरेडी नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉल करिएगा, सॉरी व्हाट्सअप कीजिएगा, आप हमारी टीम आपको कॉपरेट करेगी। वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ जल्दी से बताएं, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।